वेलकम टू यू जी सी नेट पेपर वन सीरीज। यू जी सी नेट पेपर वन सीरीज में हम पी वाई क्यूज डिस्कस कर रहे हैं। और हम पी वाई क्यूज कौन सी यूनिट के डिस्कस कर रहे हैं? यूनिट टू यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड के। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैथड ऑफ रिसर्च। यहाँ पर पूछा है, या इसको आप टाइप्स ऑफ रिसर्च भी बोल सकते हो, मेथड्स ऑफ रिसर्च भी बोल सकते हो। इनमें से कौन सा टाइप्स नहीं है रिसर्च का? ये दिसंबर 2006 में पूछा गया है। ऑब्जर्वेशन, हिस्टोरिकल, सर्वे या फिलोसफिकल, इनमें से कौन सा एक टाइप का रिसर्च नहीं है? तो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, बिल्कुल होती है। सर्वे रिसर्च होती है, वो भी होती है। फिलोसफिकल रिसर्च ये भी होती है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो कौन सा मेथड नहीं है? ऑब्जर्वेशन, ये कोई मेथड नहीं है, ये क्या है? प्रोसेस है एक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज। यहाँ पर रिसर्च के टाइप्स पूछे, रिसर्च कितने टाइप की हो सकती है? बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च या एक्शन रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च या फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च, फिलोसफिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, सर्वे रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये सभी के हैं टाइप्स हैं रिसर्च के, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन डैश डैश डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये मेथड्स ऑफ रिसर्च है, हमने इस पर एक पूरा लेक्चर बनाया हुआ है मेथड्स ऑफ रिसर्च पर। डिफरेंट बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया है, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, प्रोसेस, इंक्वायरी मोड, आइडिया और कॉन्सेप्ट, देन फिर इनके टाइप्स बताए हैं। तो ये आप क्या है, जो हमारा लेक्चर है उसमें जाके देख सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ। यहाँ पर फंडामेंटल रिसर्च की बात की गई है कि फंडामेंटल रिसर्च होता क्या है? सिंथेसाइज न्यू आइडियाज या फिर एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स या इवेलुएट द एग्जिस्टिंग मटेरियल कंसर्निंग रिसर्च या स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है? तो इसमें नए आइडियाज़ को सिंथेसाइज करना या न्यू प्रिंसिपल्स को एक्सपाउंड करना या फिर जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है रिसर्च से रिलेटेड उसको इवेलुएट करना या फिर जो लिटरेचर हैं एग्जिस्टिंग लिटरेचर वेरियस टॉपिक से रिलेटेड उन्हें स्टडी करना। तो फंडामेंटल रिसर्च में इसमें क्या है, न्यू प्रिंसिपल्स को क्या है, एक्सपाउंड किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो एक बार देख लेते हैं कि फंडामेंटल रिसर्च होती क्या है या बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें क्या है, एडिशन होता है किसका, नॉलेज का, या डिस्कवरी होती है, इन्वेंशन होता है। ये मोस्टली एकेडमिक होती है और इसका नेचर कैसा होता है, एक्सटेंसिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज। ये क्वेश्चन आया हुआ है जून 2008 में। तो इनमें से फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च कौन सी होती है, एम्पेरिकल, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल या बायोग्राफिकल? तो फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च हमने बताया है कि कौन सी होती है, एम्पेरिकल रिसर्च होती है। एम्पेरिकल रिसर्च क्या है, रिलाई करती है एक्सपीरियंस पर या ऑब्जर्वेशन पर, मतलब जो रियल लाइफ में होती हैं, इसीलिए इसको फील्ड वर्क रिसर्च भी बोला जाता है। विच इज विदाउट ड्यू रिगार्ड्स फॉर सिस्टम एंड थ्योरी। ये क्या है, एक डाटा बेस्ड रिसर्च है, कमिंग अप विद कंक्लूजन दैट आर कैपेबल ऑफ। इस रिसर्च में क्या करते हैं, रिसर्चर एक हाइपोथेसिस बनाता है और वो क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए। रिसर्चर क्या है, इज इन कंट्रोल ओवर द फैक्ट्स। एम्पेरिकल रिसर्च इज अप्रोप्रिएट व्हेन प्रूफ इज शोड दैट सर्टेन वेरिएबल्स अफेक्ट अदर वेरिएबल इन वन वे और अनदर।
तो ये एम्पेरिकल रिसर्च, आप ये सारी जितनी भी रिसर्च है यहाँ हम आपको डिटेल में नहीं करा रहे हैं, अगर डिटेल में कराएंगे तो फिर ये क्या है पूरा एक लेक्चर ही हो जाएगा। अगर आपको ये सारी रिसर्च देखनी है तो आप हमारा इस लेक्चर में देख सकते हो, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होती है, एन अप्लाइड रिसर्च या आर रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च या साइमुलेटिव रिसर्च। तो ये दिसंबर 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम। जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च होती है वो क्या कहलाती है, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च को आप क्या बोल सकते हो, लर्निंग बाय डूइंग, जिसको आप करके देखते हो, तो इसका नाम से ही पता लग रहा है एक्शन, मतलब कोई वर्क करके आप देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म फिनोमिनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ। देखिए ये टर्म कौन से रिसर्च से रिलेटेड है, ये दिसंबर 2010 में आया हुआ है। क्वालिटेटिव रिसर्च, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन वेरिएंस, कोरिलेशनल स्टडी या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये जब हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ा रहे थे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, तो वहाँ पर क्या है इस टर्म को हमने यूज किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च इसमें क्या है, देखिए ये इंडक्टिव होती है नेचर में, बेसिकली एन अप्रोच एंड नॉट जस्ट अ मेथड टू कंडक्ट रिसर्च। इसमें क्या है आप क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वालिटी देखते हो और क्वांटिटेटिव में आप डेटा और डेटा वगैरह ये चीजें देखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं किसकी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिलाय करती है किस पर, प्राइमरली ऑन द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा पर। इट कैन प्रोड्यूस इम्पोर्टेंट नॉलेज अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। इट यूजेज द डिडक्टिव साइंटिफिक मेथड। ये कौन सा मेथड, इंडक्टिव या डिडक्टिव, डिडक्टिव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज डिजाइन फॉर एस्टेब्लिशिंग कॉजल रिलेशनशिप। ये क्या है, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उसको एस्टेब्लिश करती है। एक ऑप्शन तो हमारा ये सही हो गया, कॉज एंड इफेक्ट वाला। देन इट बिगिंस विद अ क्वेश्चन कंसर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। साइमल्टेनियसली द रिसर्चर डेवलप वन और मोर हाइपोथेसिस टू स्टेट द नेचर ऑफ एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप। और ये क्या होती है, एक्सपेरिमेंट इज द इवेंट प्लान्ड एंड कैरिड आउट बाय देन रिसर्चर ट्राई टू गेट एविडेंस। और ये क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड यील्डेड बेटर रिजल्ट्स इन फिजिकल साइंस, और दिस मेथड वो सून अप्लाई टू अदर साइंसेज लाइक बायोलॉजिकल साइंस एंड मेडिसिन। ये क्या है, जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें मेडिकल फील्ड में हो गई, तो ये उसमें ही यूज होती है, इसलिए इसको क्या है, और इसमें डेटा कलेक्ट हुआ जाता है, ये क्या है डिडक्टिव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज लाइकली टू प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंट अबाउट द एग्जिस्टिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात की गई है, तो किस में, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल या नन ऑफ द अबव। अभी हमने पीछे आपको पढ़ा है डिटेल में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो कॉज एंड इफेक्ट क्या है, इसी में स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंट है किसका, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च डेट इज डन टू अंडरस्टैंड एंड इवेंट फ्रॉम द पास्ट इज नोन एज। जो पास्ट इवेंट होते हैं वहाँ से क्या है, उनसे कुछ समझना सीखना, तो वो कौन सी रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, रेप्लिकेशन या आर्काइवल रिसर्च। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च किससे रिलेटेड है, मान लो अपने पास्ट में कोई चीज़ें पढ़ी और उसी से लिंक करके फिर रिसर्च कर रहे हो, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा हिस्टोरिकल रिसर्च का।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ रिसर्च टाइपिकली कंडक्टेड बाय टीचर्स काउंसलर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स टू आंसर क्वेश्चंस दे हैव एंड टू स्पेसिफिकली हेल्प देम सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड। तो ये कौन सी रिसर्च में आता है, एक्शन रिसर्च, बेसिक रिसर्च, प्रेडिक्टिव रिसर्च या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। देखिए हमने जो बताया था लर्निंग बाय डूइंग, ये लाइन याद रखना, लर्निंग बाय डूइंग किस में आता है, ये एक्शन रिसर्च में। और ये एग्जांपल किसका है, ये एक्शन रिसर्च का ही एग्जांपल है जो ऊपर बताया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। तो आज के लेक्चर में हमने टोटल 10 क्वेश्चन देखे हैं। यहाँ हमारा जो यूनिट 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके हमने अब तक 3 लेक्चर करा दिए हैं। आप इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो UGC नेट एग्ज़ाम है जून 2023 वाला, उसमें स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। क्योंकि आजकल जो पेपर 1 है उसका लेवल क्या है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी। अगर आप एग्ज़ाम से 10-15 या एक दिन या एक महीना पहले ही पढ़ते हो तो चीज़ों को इतना ईजिली नहीं समझ पाओगे, तो फिर आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, आपका एग्ज़ाम फिर बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए आप आज से ही मेहनत कीजिए और टारगेट बना लीजिए जून एग्ज़ाम को, और यहाँ से अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो ये हम सीरीज़ एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करा देंगे। हमने 10-11 लेक्चर्स टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कराए, 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिसर्च एप्टीट्यूड के कराएंगे। देन इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन और कम्युनिकेशन, मैथ्स और रीजनिंग का लेवल इतना हार्ड नहीं है लेकिन ठीक है, वहाँ फालेसी वगैरह पूछ ली गई हैं तो वहाँ से क्वेश्चन कराए जाएंगे और सिलोगिज्म से। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।